हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ नीलम दांगी। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक वाक्य रचना। ऑल राइट, हिंदी का ये चैप्टर है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है। तो आपको करना क्या है, आपको इसके PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन शिक्षण DLL के नाम से है, उसको ज्वाइन करना है और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और नोट्स तो आपको नहीं बनाने हैं क्योंकि आपको चैनल पर इसके PDF प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको यही करना है कि वीडियो को ध्यान से सुनना है और इन्हें अच्छे से समझना है। और लाइट तो आपको एक बार देखने से ही ये सभी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो जाएगी और साथ के साथ याद भी हो जाएगी। आपको कहीं भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो वाक्य रचना है हमारा हिंदी का चैप्टर, इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या लास्ट तक नहीं देखते हैं तो उसमें आपका ही लॉस होता है, क्योंकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट इससे ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। उससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपको यही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वाक्य रचना से क्या क्या टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, वाक्य, ठीक है, वाक्य के बारे में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाक्य क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए या समझाइए। तो वाक्य के बारे में जानेंगे, वाक्य का अर्थ एवं भाव से क्या संबंध होता है इसके बारे में जानेंगे, कि जो वाक्य होता है वाक्य का अर्थ और भाव का कैसा सामंजस्य रहता है और उनसे कैसे इसका वाक्य से कैसे संबंध होता है अर्थ और भाव का, ठीक है। और वाक्य का प्रयोजन, ठीक है, वाक्य का प्रयोजन इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि वाक्य के प्रयोजन से क्या तात्पर्य है। ऑलराइट, तो इसके बारे में भी जानेंगे। फिर जानेंगे वाक्य की विशेषताएं व्याकरण संबंधी और साहित्य संबंधी, कि वाक्य की क्या क्या विशेषताएं होती है, व्याकरण से संबंधित क्या विशेषताएं होती है और साहित्य से संबंधित वाक्य की क्या विशेषताएं होती है। फिर जानेंगे वाक्य के भेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाक्य के भेद के बारे में, और यहीं से तो क्वेश्चन आपका हर बार बनता है वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, उनको एक एक को जानेंगे। और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें सबसे वाक्य के भेद, इसको हम बहुत ही डिटेल से और विद एग्जांपल अच्छे से हम क्लियर करेंगे। और लाइक तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वाक्य से कि वाक्य क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इसको ग्राफ कर देती हूँ, तब तक आप चाहे तो नोट बना ले, नोटबुक पे आप लेकर के बैठे, साथ के साथ आप इसको समझते भी रहे और अपने हिसाब से इसके नोट्स भी बनाते रहे, ताकि आप जब एक बार फिर रिवाइज करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए, इसलिए आप नोट्स भी बना सकते हैं। और लाइक देखिए वाक्य के बारे में जानते हैं। और लाइक इससे आसान आपको कहीं भी आसान भाषा और आसान नोट इससे आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए, अगर आप इनको एक एक बार भी पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक बार पढ़ने से ये चीजें क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनको बस एक बार पढ़ना है और सुनना है, तभी आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होता है। एक एक वर्ड अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, कि सार्थक और लाइक सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। देखिए, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। इसी में ही वाक्य का सारा सार आ जाता है। क्यों, अगर वाक्य अगर शब्द सार्थक नहीं हुए, ठीक है, अगर शब्द सार्थक नहीं हुए तो अपना भी मीनिंग, शब्दों का मीनिंग गलत हो जाएगा। और लाइट व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित यानी एक निश्चित क्रम में, एक सही क्रम में, यानी कि आगे पीछे कर दो आप, जैसे वह जाता है वह, ऐसे कर दिया तो ये वाक्य तो हो जाएगा, लेकिन एक व्यवस्थित वाक्य नहीं होगा। तो इसका सही क्रम में लिखना वह जाता है। और लाइट तो इसीलिए व्यवस्थित समूह का प्रयोग किया गया यहाँ पर,
कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अपेक्षित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। आपको याद हो गई होगी लैंग्वेज, आपको बस ये याद रखना है कि सार्थक शब्द होने चाहिए, व्यवस्थित समूह में होने चाहिए और उनका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाक्य हो जाएगा यानी सेंटेंस हो जाएगा। ऑलराइट, अब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे मुख से जो सार्थक ध्वनियां निकलती है, देखिए यहाँ पर भी हमारे मुख से निकलने वाले सार्थक ध्वनियों का समूह, ऑलराइट, सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचार भावनाओं और विचारधारा और भावनाओं का दिग्दर्शन होता है वाक्य कहलाता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा, इसने कहा है कि सार्थक, जो हमारे मुंह से सार्थक ध्वनियां निकलती हैं, सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे हमारी आकांक्षा, विचारधारा है और हमारी भावना एक्सप्रेस होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम उन्हें वाक्य कहते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा वाक्य भाषा का ही अंग होता है। क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि कितना अच्छा मौसम है, तो मैं अपनी भावना व्यक्त कर रही हूँ, ठीक है, तो कितना अच्छा मौसम है, तो ये किसके द्वारा, क्या ये भाषा मैंने वाक्यों में विभाजित की और तब मैंने एक वाक्य आपको बताया, इससे आपको इन भावनाओं का पता चलता है। तो यही इसमें बोला गया है कि मुख से निकलने वाले सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की आकांक्षा, विचारधारा एवं भावना का दिग्दर्शन होता है वाक्य कहलाते हैं। तो आपको अपने एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ऑनलाइन, तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। देखिए अगर आप भूल जाते हैं तो आप, ये है कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कीजिए तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन, जब आप भूल जाओ तो फिर आप इसको देख सकते हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के प्रोसेस जारी करते हैं, आगे के समझते हैं कि वाक्य का अर्थ और भेद के साथ किस प्रकार संबंध होता है, क्यों होता है, ऑनलाइन, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब जानते हैं हम किसके बारे में, वाक्य का अर्थ और भाव के संबंध में, ठीक है। तो देखिए ये जो नोट्स बनाए गए हैं आपको यहाँ पर लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पर, तो वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप इतने लिमिटेड इसमें अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं आंसर, ऑलराइट। तो आपको यहाँ पर ये इसलिए नोट किया गया कराया गया है कि आप इसको अच्छे से लिख सके और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो देखिए अब इसमें क्या है कि वाक्य का अर्थ एवं भाव से क्या संबंध है, तो आप एक बार इसको पढ़िए ध्यान से, तो आपको अच्छे से अपने आप ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आपको किस प्रकार लिखना है और किस प्रकार आपको ये रियलाइज करना है, ठीक है। तो देखिए यदि कोई वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला, यदि कोई वक्ता अपनी बात श्रोता, ठीक है, एक कहने वाला होगा एक सुनने वाला होगा, तो यदि कोई वक्ता कहने वाला अपनी बात सुनने वाले के हृदय तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके वाक्य अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण होने चाहिए। तो ये नहीं कि अगर हम मानते हैं कि हम अपने विचारों को भाषाओं के द्वारा आपस में आदान प्रदान करते हैं विचारों का, और भाषा क्या है, वाक्य, वाक्य वाक्य के द्वारा हम अपने विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, तो क्या होता है कि अगर वाक्य नहीं होगे, वाक्य सुव्यवस्थित नहीं होगे, तो भाषा को कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, अर्थहीन हो जाएगा। अगर भाषा ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमें क्या होगा, तो व्यक्ति ही अर्थहीन हो जाएगा, ना तो कोई इसकी बात सुनना पसंद करेगा और ना ही कोई इसको बताना पसंद करेगा, तो दोनों का होना अर्थहीन हो जाएगा। तो आपको समझ आ रही होगी ये बातें, तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि अर्थ की सहायता से, ठीक है, अर्थ की सहायता से ही व्यक्ति के भावों की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है। जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, वो उन वाक्यों के अर्थ के आधार पर ही उसके भाव की गहराई तक जाने का प्रयास करता है, ठीक है। किसी भी, कोई भी हम अगर वाक्य बोल रहे हैं, अगर उसका कोई अच्छा मीनिंग निकलता है तभी हम उसके भाव को समझ सकते हैं। और देखिए कहा जाता है कि आप वर्डों पे फोकस ना करके भावनाओं पे जाइए, ठीक है, भावनाओं को फील कीजिए, तो यही कहा जाता है। इसलिए क्या हो जाता है कि अर्थ की सहायता से ही व्यक्ति भावों की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है,
तो इससे हमें साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वाक्य में अर्थ और भाव दोनों का होना, दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। और लाइट तो भाव जरूरी है, किसी भी चीज का भाव समझना। देखिए जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, अपनी एक एक लाइन में इतना गहरा भाव छोड़ते हैं कि सीधा आपके हृदय पर चोट करता है। वो कहते हैं ना कि कितनी अच्छी लाइन लिखी है, तो एक एक वाक्य इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वही है कि आप उसमें अर्थ के साथ साथ भाव की गहराई भी होनी जरूरी है, यही इसमें कहा गया है। इसलिए किसी भी वाक्य में अर्थ और भाव दोनों का होना जरूरी है, तभी सुनने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा और बोलने वालों को भी अच्छा फील होगा, ठीक है, कि वो अपनी बात को अच्छे से समझा पाए है। और लाइट तो अब देखिए ये आपको लिखना है, इतने ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपके एग्जाम में, तो आप इसको नोट भी कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं कि वाक्य की विशेषताएं देखेंगे, वाक्य की विशेषता या वाक्य के गुण। तो ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि वाक्य के व्याकरण संबंधी विशेषता बताइए या दो गुण लिखिए, साहित्य संबंधी वाक्य के दो गुण लिखिए, और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वाक्य के भेद, उनको हम डिस्कस करेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, और अलग अलग पर डिस्कस करेंगे। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम आगे को प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब जानते हैं हम वाक्य की विशेषताओं के बारे में, और वाक्य प्रयोजन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी विशेषता और उसके भेदों के बारे में हम जान लेते हैं। ऑनलाइन तो देखिए वाक्य की जो है, वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषता है, आपके जो हमारे आपका सिलेबस है इसमें तीन विशेषताओं को बताया गया है, साहित्य संबंधी तीन विशेषताओं को बताया गया है, और व्याकरण संबंधी भी तीन विशेषताओं को इसमें बताया गया है आपके सिलेबस में। ऑनलाइन तो देखिए क्या होती है कि वाक्य संबंधी विशेषताएं आकांक्षाएं होती है, नंबर एक आकांक्षा, नंबर दो योग्यता, और नंबर तीन सदक्रम, ठीक है। जब भी वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषता है उसमें क्या होता है कि आकांक्षा, जिज्ञासा, आकांक्षा यानी जानने की इच्छा बनी रहनी चाहिए। अगर आप कोई भी वाक्य बोलते हो तो उसमें सुनने वाले को उसमें आगे के बारे में जानने की इच्छा बनी रहनी चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि कृष्ण, ठीक है, अगर तो फिर आपके मन में जिज्ञासा हो जाएगी कृष्ण से आगे कृष्ण क्या करता है, क्या बोला जाएगा कि कृष्ण दिल्ली जाता है, तो आपको वहाँ सेटिस्फाई हो, आप वहाँ सेटिस्फाई हो गए कि कृष्ण के बारे में पता चला गया कि आपको कृष्ण दिल्ली जाता है, तो आपको जिज्ञासा बनी इसमें कृष्ण नाम लेते ही। तो वही इसमें बताया गया है कि जो व्याकरण संबंधी विशेषताओं में कि वाक्य में आकांक्षा यानी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, योग्यता बनी रहनी चाहिए, ठीक है, और इसमें शब्दों का क्रम भी सुव्यवस्थित ढंग से रहना चाहिए, तभी कोई वाक्य अर्थपूर्ण हो सकता है, और फिर तभी उसके भावों को कोई भी सुनने वाला या पढ़ने वाला उसके भावों को समझ सकता है। तो ये आपके सिलेबस में तीन विशेषता व्याकरण संबंधी बताई गई है। आप देखिए व्याकरण की साहित्य संबंधी क्या विशेषता बताई गई है। साहित्य संबंधी विशेषता में कहा गया है कि कोई भी वाक्य हो, वाक्य की जो भाषा होगी, शब्द होगी, वे बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। ऑलराइट, तो स्पष्टता होगी, समर्थता होगी। समर्थता कैसी होगी कि अपने भावों को, अपने भावों को दूसरों को समझाने की हमें समर्थता होनी चाहिए, ताकि हमारे जो हम कहना चाहते हैं उसका भाव सुनने वाला आसानी से समझ सके, तो ये भी समर्थता वाक्य में होनी चाहिए। और श्रुति मधुरता, श्रुति मधुरता का क्या मतलब है कि कोई भी बात ऐसी कण कटु नहीं होनी चाहिए जो अच्छी ना लगे, उससे क्या होता है कि जो सुनने वाला होता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो इतनी भी समर्थता होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, समर्थता भी जरूरी है और श्रुति मधुरता भी जरूरी है कि सुनने वाले को अच्छा लगे और उसका इंटरेस्ट उसमें सुनने में बना रहे। तो देखिए जो हमारे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वे इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, और तभी हम उनकी पोयम में, कहानी में और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनके सरल भाषा होती है, शैली होती है ना, वाक्यों में मधुरता होती है, समर्थता होती है अपनी बातों को समझाने की, तो ये सारी क्वालिटीज होती है, तभी एक लेखक किसी पाठक को या श्रोता को अच्छे से अपनी बात लिखित रूप में भी समझा सकता है। तो ये देखिए आपको विशेषता समझ आई, आप जानते हैं वाक्य के भेद के बारे में। ऑनलाइन तो आप इसको भी नोट कीजिए फटाफट से, तब तक मैं वेट करती हूँ आप लोगों का। तो अब क्या जानते हैं, अब जानते हैं वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम अर्थ के आधार पर यहाँ पर
वाक्य के भेद जान लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और लाइक अर्थ के आधार पर वाक्य के क्या भेद, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं, और उनके नाम यहाँ है और उनके उदाहरण यहाँ है। तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तो अब समझते हैं कैसे विधान वाक्य, विधानवाचक वाक्य। आपको एक एक को ध्यान से समझना है, आपको एक एक याद हो जाएंगे, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विधान वाक्य कैसे होते हैं? जिनसे किसी की जानकारी प्राप्त होती है, कोई निश्चित जानकारी प्राप्त होती है, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पर आप जब टैग दोगे तो वहाँ पर कंपटीशन में इस चैप्टर से कोई भी कंपटीशन ले लो जिसमें हिंदी भी आती है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे सेंटेंस दे दिया जाएगा दशरथ अयोध्या के राजा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये विधानवाचक वाक्य है। तो कृपया शांति बनाए रखिए, किस प्रकार का वाक्य है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कंपटीशन में भी, यहाँ पे भी। और आप पढ़ाई से रुक नहीं सकते क्योंकि आपको तो टीचर बनना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बिना पढ़े कहीं कोई टीचर नहीं बन सकता है, तो इसलिए यहाँ भी जरूरी हो जाता है और वहाँ भी जरूरी हो जाता है। बेहतर है कि आप यहाँ भी समझे इसको और फिर आगे आपको दिक्कत ना आए, दोनों जगह का आपका काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एक उदाहरण भी लिया है, ज्यादा उदाहरण यहाँ पर नहीं नोट कर सकती थी। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। तो दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। और निषेधवाचक वाक्य दूसरा है, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में मना करने का भाव दिखता है, तो ये क्या होते हैं? निषेधवाचक वाक्य किसी कार्य को मना करने का भाव होता है। तो इसमें जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने तो खाया है लेकिन इसमें कहा गया है कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। और ऑलराइट, तो मैंने खाना नहीं खाया है, ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है। उसमें कुछ डिफिकल्ट भी है तो उनको जानना जरूरी है, सिंपल तो सभी कर लेंगे, आपको तो डिफिकल्ट जानना है। तो देखिए तीसरा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न कब कहा क्यों कैसे ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे दशरथ कहाँ के राजा थे, ठीक है, आपको तो पता होगा दशरथ कहाँ के राजा थे, लेकिन इसमें भाव बताया गया कि दशरथ कहाँ के राजा थे, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो देखिये विस्म आदि बोधक नंबर 4, सॉरी आपको यहाँ पर दिखने में दिक्कत हो रही होगी, नंबर 4 क्या है? विस्मयादिक बोधक वाक्य। विस्मयादिक बोधक वाक्य कैसे होते हैं? विस्मयादिक बोधक होते हैं जैसे कोई खुशी भावना ये वाली चीजें दर्शाई जाए, तो वे क्या होते हैं? वे होते हैं विस्मयादिक बोधक। जैसे बल्ले हम जीत गए, आप भी ऐसे करना जब आप एग्जाम में पास हो जाओगे कि बल्ले हम जीत गए, हम सफल हुए, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? विस्मयादिक बोधक। तो देखिए आपके कमेंट्स अभी पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर हम क्लास के बीच में डिस्कस करने लगे तो आपका उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके जो कमेंट्स है ये लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पढ़ लिए जाते हैं, और आपके फिर जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने का भी उनको सोल्व करने की भी पूरी पूरी कोशिश की जाती है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वीडियो को आराम से देखिए और समझिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। अब देखते हैं आगे, आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आगे दी जाती है, ठीक है, कि कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है। आप भी बहुत कमेंट्स करते हैं आलतू फालतू के, तो आप भी शांति बनाए रखें, जैसे आपको बोला जाता है, सॉरी। तो कृपया शांति बनाए रखें, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। और लाइट अब देखिए क्या है नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य जिसमें किसी की मनोकामना है ना, भावनाओं को बताया जाता है या किसी को दुआएं दी जाती है, तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं जो ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सफल करे, तो देखिए मैंने इसमें मैंने अलग से कुछ बहुत सारे उदाहरण के नोट किए हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे इच्छावाचक में इच्छा की जाती है या आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये इच्छावाचक हो जाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो ये कैसा वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है। तुम्हारी यात्रा सुखा दो, हम किसी के लिए मनोकामना कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं किसी को, तुम्हारी यात्रा सुखा दो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है। तुम्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है, तुम्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी इनको गलत नहीं करोगे अगर एक बार समझ लोगे तो। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, सातवां क्या है? संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें 100% किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं होती है,
बस अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? संदेहवाचक वाक्य। आपको संदेह सबसे ही समझ आ रहा होगा कि संदेहवाचक वाक्य कैसे होते हैं। जैसे हो सकता है कि वह आ जाए, जैसे हम किसी का इंतजार करते हैं, आप किसी का इंतजार करते हो और तो फिर एक आस लगाते हो, तो ये क्या आया कि वह आ जाएगा, वह आएगा। तो हो सकता है वह आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑलराइट। और देखिए संकेतवाचक वाक्य कि जैसे परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य है, या एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड रहता है। ऑलराइट। तो आपको ये सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी कीजिए। आप लाइक तो कोई वीडियो करते ही नहीं है, तो आप इनको नोट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्या करेंगे कि वाक्य के भेद हम रचना के आधार पर देखेंगे। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए, रचना के आधार पर इम्पोर्टेंट है, और वहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑनलाइन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने सभी नोट कर लिए होंगे रचना के आधार पर वाक्य, तो अब देख सॉरी अर्थ के आधार पर वाक्य, अब देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य। और ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सरल वाक्य को समझाएंगे। ठीक है, सरल वाक्य कैसे होते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आपको सुनना जरूरी है, ध्यान से पढ़ना जरूरी है, आपको जो बोला जाता है उसको भी सुनना जरूरी है। ऑनलाइन। तो देखिए सरल वाक्य कैसे होते हैं, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, वो किस प्रकार, जैसे राधा नाच रही है। ठीक है, तो राधा क्या कर रही है? राधा नाच रही है। इसमें जो एक ही मुख्य, केवल एक ही मुख्य क्रिया होगी नाचने वाली, तो जिसमें एक मुख्य क्रिया ही होती है, वे कैसे सेंटेंस होते हैं? वे सरल सेंटेंस होते हैं। और जैसे एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि राधा नाच रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है। अब देखिए संयुक्त वाक्य, यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिश्रित वाक्य आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है मिश्रित वाक्य के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि ये पूछ ले, हो सकता है संयुक्त वाक्य के बारे में पूछ ले, तो आपको सभी चीजें पढ़नी जरूरी है। तो संयुक्त वाक्य, वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। तो जिसमें और तथा परंतु किंतु लेकिन इन वर्डों से सेंटेंस जुड़े रहते हैं आपस में, तो वे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। आप इनके द्वारा उनको पहचान सकते हैं कि जिसमें और तथा किंतु लेकिन ये वर्ड जुड़े रहते हैं, तो वो किस प्रकार के सेंटेंस हो गए? संयुक्त सेंटेंस हो गए। और देखे मिश्रित वाक्य क्या हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिश्रित वाक्य जैसे हम उदाहरण से समझते हैं इसको, कि सचिन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। और इसे एक सेंटेंस देखे जैसे क्लोज होती है, सचिन ने पूछा कि, ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा कि तुम कहाँ गए थे। ये जब पूरा सेंटेंस हो गया तो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, आप इंग्लिश में भी इनको पढ़ते होंगे, सचिन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो ये क्या हो गया? ये मिश्रित वाक्य हो गया। उनकी पहचान हो गई कि क्योंकि जो जिससे जहाँ इन वाक्यों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा एक एक पॉइंट। अगर क्लियर हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे से आप सपोर्ट मिलेगा और मैं फिर आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। ऑलराइट। अब देखते हैं वाक्य के प्रयोजन के बारे में, उसके बाद वीडियो फिनिश करते हैं। आप इसका एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं वाक्य के प्रयोजन के बारे में बताऊंगी, और फिर ये चैप्टर यहीं तक खत्म हो जाएगा, और इससे बाद आपका एग्जाम में इससे इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, और एक दो क्वेश्चन तो जरूरी बनते हैं। कितनी बार भी आपको यही बात समझाई जाती है कि आप जो भी पढ़े उसको ध्यान से पढ़े, और वीडियो को तो एक बार लास्ट तक देखे, ताकि फिर आपकी सभी चीजें उसी चैप्टर से कम्प्लीटली कवर हो जाती है। तो एक बार फिर सोच लीजिए या इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वाक्य का प्रयोजन। तो वाक्य के प्रयोजन से क्या समझते हैं कि वाक्य का मुख्य, देखिए आप अगर इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप इसे आपको क्लियर हो जाएगा। वाक्य प्रयोजन में अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है? वाक्य का मुख्य प्रयोजन यही है कि व्यक्ति के जो भाव अथवा अर्थ को भाषा में स्पष्ट किया जाए। ठीक है, जो व्यक्ति के भावार्थ होते हैं उनको हम भाषा में स्पष्ट करें। और क्या होता है कि जो वाक्य होता है, यह वाक्य के द्वारा हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, और वाक्य भाषा का ही एक अंग है जिसके द्वारा अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। और सुंदर सुंदर वाक्य, चमत्कारपूर्ण वाक्य, भावपूर्ण वाक्य, कलात्मक वाक्य, ये हमारे भाषा को निखारते हैं। अगर हम इस प्रकार से अपने भाषा को
वो सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी, अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो जल्दी इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट।